जब आखिरी बार उसे देखा था मैंने तब सब साबुत था, पर अब की जब मिली वो खिलखिलाते हुए मैं दंग रह गई उसे देखकर। उसके शीशे सरीखे जिस्म से उसकी रूह की कटी फटी परतें बाहर लटक रही थी, जितनी अदृश्य उतनी ही साफ चमकती परतें, जादुई परतें। मैंने उसकी लाइनर सजी आंखों में जरा सा झांका तो वो सिहर कर पीछे हट गई। गुलाबी लिपस्टिक से लिपे होठ दिलकश जादू फेंकने लगे। मुझे पता था मुझे आंखें पढ़ने का श्राप मिला है। मैंने भी मनमोहक मुस्कान मोइतो के ग्लास में बर्फ की डली बनाकर डाल दी। वो बड़े से पार्टी हॉल का चक्कर लगाकर फिर से मेरे पास आ बैठी तो मैंने ही बात शुरू की। कुछ लोगी? नींद। तुम नींद में हो? वो चौंकी। हां शायद। कह डालो, मैंने थोड़ा जोर देकर पूछा। क्या? समझते हुए उसने नासमझी का वही पुराना तीर फेंका। तुम्हारी मौत का सच। मैंने बॉटम लाइन से ही बात शुरू की। बिना वजह बात खींचने के पाखंड से सख्त नफरत है मुझे। उसने गहरी आंखों से मुझे देखा, बारटेंडर को इशारा किया, ग्लास सज गए। कोई आधा दर्जन ग्लास अपने अंदर फेंक लेने के बाद वो बड़े दार्शनिक अंदाज में बोली कि बात मुद्दत के याद आ रही हैं, उसकी बेवजह ही उछाली गई कुछ बातें, बातें जो उछाल दी गई हों रेजगारी की तरह बेतरतीब से किसी भिखारी के कटोरे में, सिक्के जो गाहे बगाहे बचते हैं तो बचते ही चले जाते हैं जहन में मेरे। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो कुछ देर ग्लास को हिलाते हुए उसमें घूमती बर्फ देखती रही, फिर एक उदास आवाज उसके मन की गहरी घाटी को भेदती हुई गूंजी। उसने एक रोज कहा था, सुनो लड़की, तुम्हारे साथ होने की बस ये कीमत दो कि कभी पूछना मत क्या प्यार करते हो मुझसे। विक्रम बेताल की कहानी की तरह मैं जब भी पूछ बैठती ये सवाल वो उड़ जाता मेरी पीठ से दूर अपनी खींची हुई सरहदों के पार। बाद मुद्दत के सोचती हूं, क्या कभी उसने अपने बदन को गौर से देखा होगा? उस पर चिपकी है मेरी खाल की जाने कितनी ही परतें जो उसके उड़ते ही उसके साथ ही उखड़कर उसी में उसी की होकर चली जाती रही साल दर साल। किसी माइग्रेटरी बर्ड की तरह उसके आने का सीजन होता और मेरी रूह पर उगाती नई नई परतें कि चिपक सकें उसके जिस्म से, कि उसने ये भी कहा था उसके साथ होने का कोई और जरिया नहीं। वो थोड़ा सा रुकी, अपनी आसमानी रंग की ड्रेस की क्रीज सही की, मेरी ओर पनीली आंखों से देखा और अपना सागर संभाले बोली, उसने जाते हुए पर यह नहीं बताया कितने जिस्म उतार देने के बाद विक्रम पूछ सकता है बेताल से, प्यार करते हो मुझसे? मैं चुप उसे देखती रही। बहुत सारे पल सन्नाटे के आगोश में समा गए। वो उठते हुए बोली, तुम मत आना। कहां? मेरे जनाजे पर। मैं ताकती रही। बिना बोले उसे भी पता था मैंने पूछा है क्यों। क्योंकि सब जिस्म रोने आएंगे, तुमको तो पता है रूह का जनाजा तो कब का निकल चुका। अलविदा। वो लड़खड़ाती हुई चली गई। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली। हताशा से मन ने कहा, काश जिस्म के साथ रूह की प्लास्टिक सर्जरी भी पॉसिबल होती। मैंने वोडका ऑर्डर की, हालांकि मैं जानती हूं शराब अच्छी चीज नहीं होती। जैसे कि हम सब जानते हैं इश्क बेहद बुरी लत है, फिर भी।
प्यार करते हो मुझसे। सुषमा गुप्ता जी, कमाल की कहानी लिखी है आपने। कुछ नहीं कहना।